दोस्तों, मिशन कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिर से एक नई सब्जी बनाना और पहले काटना सिखाएंगे। तो हम ले ली हमने घिया। देखिए घिया को हम कैसे बनाते काटते हैं। पहले इसको छीलिए, धीरे धीरे अच्छे से छील लीजिए। आप चाहे तो चाकू से छील सकते हैं, नहीं तो आप जो कटर होता है उससे भी छील सकते हैं। मेरे पास यही था तो मैं इसी से छील रही हूँ। देखिए अच्छे से छीलना है। घिया तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही हेल्दी होती है, जबकि बच्चे इसे खाना पसंद कम करते हैं। तो आप इसके अलग अलग टाइप के पकोड़े या कोफ्ते या सब्जी, अलग अलग तरह के व्यंजन बना के बच्चों को खिला सकते हैं चटपटे, ताकि बच्चों को भी पूरा फुल विटामिन और इसके मिले। देखिए हम इसे पहले अच्छे से छील लेंगे। अच्छे से छिल, देखिए दोनों साइड से। अब हम इनके छिलकों को एक अलग कटोरी में रख देंगे। अब हम इसे देखिए कैसे काटेंगे। इसे दो भाग में काट लिया। आप चाहें तो इसे गोल काट सकते हैं, आप अपनी मर्जी के अनुसार इसको शेप दे सकते हैं। मुझे ऐसे ही काटना पसंद है इसे। छोटी छोटी फांक में इसे काटेंगे। आप चाहे तो इसे उबाल के भी बना सकते हैं, फ्राई भी करके बना सकते हैं, सूखी भी घिया खा सकते हैं और रेसेदार भी खा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर ही डिपेंड करेगा, जैसे भी आप चाहें। इसके कोफ्ते भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इसका रायता भी बना सकते हैं। घिया की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इससे मिठाई भी बनाई जाती है व्रत के टाइम पे। देखिए किस तरह से पूरी सब्जी मैं काट लूँगी। देखिए कितनी अच्छे से कट गई है सब्जी। अच्छे से काट लीजिए। घिया तो बहुत ही फायदेमंद होती है सेहत के लिए। देखिए मुझे मुश्किल से 2-3 सेकंड में मैंने ये सब्जी अच्छे से काट ली है। आप भी इसी तरह काट सकते हैं। जो न्यू बिगनर है वो पहले ऐसे ही काटना सीखें, धीरे धीरे उन्हें और अच्छे से आ जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको घिया की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।